सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 9 Power के MIUI 12.5.1.0 अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफी टाइम हो गया Android 11 का अपडेट और 12.5 का अपडेट Redmi 9 Power में रिलीज नहीं हुआ है। बट आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस मंथ में ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा, किस डेट पे आपको ये अपडेट देखने को मिल सकता है और इस अपडेट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, सब कुछ क्लियर करूंगा इसी वीडियो में। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो माय नेम इज शौर्य महाजन, यू वॉच माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं Redmi 9 Power के MIUI 12.5.1.0 के अपडेट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर अपडेट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर यह ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, कल हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता रहता है। तो एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट होगा ना, ये 2 से 3 GB के साइज के साथ आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये इनहांस एडिशन अपडेट होगा तो आपको यहाँ पर 12.5.4.0 के बिल्ड नंबर के साथ ये देखने को मिल सकता है। और अगर एक ये नॉर्मल अपडेट होगा तो 12.5.1.0 के बिल्ड नंबर के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस अपडेट के कुछ फीचर्स के बारे में। तो देखिए, पहला जो फीचर होगा वो है इसकी स्मूथनेस। दोस्तों आपको यहाँ पर स्मूथनेस काफी अच्छी मिलने वाली है, साथ में कंट्रोल सेंटर आपको ब्लर वाला देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी और एंड्रॉइड वर्जन में आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, जो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। साथ में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ये एक एनहांस्ड एडिशन अपडेट होगा तो यहाँ पर आपको मेमोरी एक्सटेंशन देखने को मिलने वाला है, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये कुछ फीचर जो आपको देखने को मिलने वाले हैं Redmi 9 Power के नए MIUI 12.5.1.0 या MIUI 12.5.4.0 के अपडेट के अंदर जो आने वाला है। अब कब आने वाला है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, हमने डेवलपर से बात करी है, वो बता रहे हैं कि ये जो अपडेट है आपको पक्का फरवरी में देखने को मिलेगा। कोशिश Xiaomi कर रही है कि 15 जनवरी के बाद ये रोल आउट कर दे, पर चांसेस यहाँ पर अभी तक यही है कि यहाँ पर ये अपडेट आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है। 15 जनवरी के बाद मी पायलट टेस्टिंग जरूर से शुरू हो सकती है, बट यहाँ पर जो अपडेट ऑफिशियली पब्लिक रोल आउट होगा वो 10 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है। अब यहाँ पर 10 फरवरी या फिर 15 फरवरी के बाद ये पक्का आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो अपडेट है आपको जनवरी या फरवरी तक ही देखने को मिलेगा। जनवरी का जो अभी मिड है उससे यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये जो अपडेट है आपको फैब तक कभी भी देखने को मिल सकता है, बट ज्यादा चांसेस हैं कि फैब में ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा विद द लेटेस्ट MIUI 12.5 एंड Android 11 अपडेट विद न्यू फीचर्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी है Redmi 9 Power के नए अपडेट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।